तो जब हम जीवन फेज में थे राइट जीवन फेज में इंतजार कर रहा था कोई सुनी के फोन सब साइकिल भी का ये बन भी गया है ना कैसे बन गया तो पता चलेगा कोई एक ग्रोथ फैक्टर था एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर माइटोजन उसकी वजह से साइक्लिन डी का एक्सप्रेशन हुआ और अब साइक्लिन डी और सीडीके 4-6 मिल करके नेक्स्ट वाले कंपोनेंट का एक्सप्रेशन करवाएंगे दैट इज जी1 एस फेज को लगने वाले साइक्लिन का है ना सीडी के तो पहले से ही रहता है सीडी भी कौन सा होगा इधर है ना साइटी कौन सा रहेगा ई और अभी ये बना नहीं है ठीक सो क्योंकि अब क्या बन चुका है तो आपने कल बताया जीवन कैसा है नहीं नहीं अरे सीरियस चेंज कल आप आए थे और सब चेंज करा ठीक है चेंज क्या है जरा देख लो कि सबसे पहले मैं जीवन लिखा था फिर सॉरी जीवन एस लिखा था फिर एस लिखा था फिर जी टू एम लिखा था और फिर एम लिखा था ऐसे था ना लिस्ट लिस्ट को चेंज क्या करना है हटा दो और यहाँ पे जीवन एस कर दो और यहाँ पे सिर्फ एस आएगा ये हटा करके जी टू थोड़ा सा शिफ्ट कर पहले दिन जब लिखा था तो थोड़ा मिस हो गया ठीक है हाँ, तो जरूरत क्या है साइक्लिन ई है ना ई बन जाए तो फिर आप देखेंगे कि अब जीवन एस चेक पॉइंट को क्रॉस किया जा सकता है क्योंकि अभी भी पूरा का पूरा जो सेल है जीवन फेज जीवन फेज में उसने सारी चीजों की तैयारी कर ली है इसलिए वो किसमें जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिन डी सारी चीजों की पेरिस ने कर ली थी इसीलिए उसने एक ग्रोथ फैक्टर भी बनाया ग्रोथ फैक्टर का नाम था एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बनना इसका मतलब क्या होता है कि वो सेल क्या होना चाहता है डिवाइड होना चाहता है और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बनते ही आप देखेंगे दिस कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेज दिस गेट एक्टिवेट ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होगा और ये कॉम्बिनेशन जैसे एक्टिवेट होगा ये अब एक सीरीज ऑफ रिएक्शन शुरू करेगा और आगे के जो भी साइक्लिंस है वो बनने शुरू हो जाए सो ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ये दोनों मिल करके आप देखेंगे कि किसी एक और फैक्टर को जिसका नाम है E2F ये दोनों मिलकर के किसको एक्टिवेट कराएंगे E2F फैक्टर E2F फैक्टर अगर एक्टिवेट हो गया तो आप देखेंगे नाउ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिन मेरे को एक ही चाहिए बाकी लोग को देखना हमें तो सेक्टर के बाहर की तरफ से है सेक्टर में बाहर की तरफ से है वो काफी है दो
अच्छा हो गया नया लैपटॉप लगा नया नया कंप्यूटर सीपीयू भी नया आया है कीबोर्ड नया सर चालू किए विंडोज 10 है रेडार इज देन ठीक है उनसे पैसा लगे दरवाजा बंद कर सो ई टू एफ फैक्टर का एक्टिवेशन होगा इसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन बना इसकी वजह से राइट इसका एक्टिवेशन क्या करेगा नए साइक्लिन को प्रोड्यूस कराएगा दैट इज साइक्लिन ई चावला गया सो क्या एक्टिवेट होगा साइक्लिन इसका एक्सप्रेशन होगा और देखने को मिलता है कि जब ये बन रहा होता है उसी के आसपास में साइक्लिन एक भी जीन है कौन सा बनना चाहिए इसके बाद यही बनना चाहिए उसका भी जीन इसके आसपास ही होता है मतलब कहीं ना कहीं ई टू एफ फैक्टर ही इसके सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठीक है राइट ई टू एफ फैक्टर साइक्लिन ई का प्रोडक्शन तो कराता ही है साथ ही साथ वो इसका प्रोडक्शन करवा देता है और पहले से उसका सीडीके वहां बैठा है ना पहले से है वहां सीडीके 2 पहले से प्रेजेंट क्या एक्सप्रेस हो गया साइक्लिन ए भी एक्सप्रेस हो गया किसकी वजह से लेकिन आप देखेंगे एक्सप्रेस तो हो गया है लेकिन ये अपना काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि सीडीके बीमार क्या है किसी ने उसे बाइंडेड रखा हुआ है स्पेशली आप देखेंगे उस बाइंडिंग की वजह से बैक्टीरिया के इधर से नीट्स इनएक्टिव फॉर्म भले उसका साइक्लिन टू नहीं आ गया है लेकिन उसके ऊपर कोई इनिबिटर लगा हुआ है इनिबिटर कौन सा किससे जुड़ा हुआ है कौन से फैमिली का इनिबिटर हो सकता है हाँ तो कौन सा दोनों में से कौन सा किप का है किसका है काइनेज इनिबिटर है ना तो ये जो है ये इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट किप फैमिली मेंबर्स का एक एग्जांपल है ठीक है जो ग्रुप है किप उसमें का एक एग्जांपल है सिक ये जाकर के किसके बारे में जाता है सीडीके 2 पे भले वापस आएगी ए प्रेजेंट है लेकिन ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा इस कॉम्बिनेशन को कब काम करना चाहिए एस चेक पॉइंट और अभी एस चेक पॉइंट आया नहीं है अभी तो प्रोसेस कहाँ पे जीवन एस चेक पॉइंट को क्रॉस करना है पूरा एस मतलब पूरी की पूरी रेप्लिकेशन करनी है सारा प्रोसेसिंग एस फेज का करना है तब कहीं एस चेक पॉइंट क्रॉस करना है राइट सो बन का गया जीवन एस मतलब जीवन में ही फेज में ही बट उसे काम कहाँ करना है एस फेज में तो उस समय वो एक्टिवेट क्यों रहे एक्टिवेट नहीं रहना चाहिए एंड दैट्स व्हाई इट इज रिमेन इन इट्स inactivated form by using some inhibitory proteins or sit or kip में से कोई रहेगा इसमें से क्या है बस basically example of
केस है ना ओके okay. और जब एस फेज आएगा मतलब जीवन का सारा प्रॉपर हो चुका है, एस फेज में प्रमोट कर दिया गया, एस फेज की सारी तैयारियां हो गई जो भी होनी थी, तब क्या होना चाहिए? तब इस सीट को किसी वजह से हटा देना चाहिए, किसी तरीके से हटा देना चाहिए, और फिर फाइनली अब ये काम करेगा और कौन सा चेक पॉइंट क्रॉस होगा? एस चेक पॉइंट क्रॉस होगा, एस वाला चेक पॉइंट क्रॉस होगा तो फिर आएगा जी टू, राइट? सो इसे यहां से हटाने के लिए एस सी एफ नाम का एक फैक्टर काम करता है, एस सी एफ ये एक्चुअली तीन अलग अलग फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एस एक अलग फैक्टर है, सी एक अलग फैक्टर है, एफ एक अलग फैक्टर है, एफ मीन्स ऑल्सो, एफ का मतलब क्या है? ऑल्सो, और एस जो है ये एक अलग शब्द, तीन शब्दों से बना हुआ प्रोटीन है एस सी एफ, इसके बारे में कहीं हमने बात की है पहले से, यानी जब एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तब यूकैरियोटिक एप्लीकेशन में जब इनिशिएशन करना होता है प्रोसेस का तो ओआरसी फैक्टर लगता है, एमसीएम 27 लगता है, लाइसेंसिंग फैक्टर्स लगते हैं, लाइसेंस फैक्टर्स को वहां से हटाने के लिए इसी नाम का कोई प्रोटीन लग रहा है एससीएफ, ठीक है? और अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो आप देखेंगे इसकी ये वाली जो सबयूनिट है ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, फॉक्सो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करने का काम करता है इसको, जो भी सबस्ट्रेट है, ओके? कि किसको हटाना है? सी को हटाना है, ये इसको रिकॉग्नाइज कौन सा सबमिट करेगा? एफ, कौन से? और इसके ऊपर यूबीक्यूटिनाइजेशन कराने का काम, यूबीक्यूटिनाइजेशन कराने का काम ये वाला सबमिट करेगा एस, ठीक है? और सी के ऊपर अगर यूबीक्यूटिनाइजेशन करा दिया जाए तो क्या होगा? ये यूबीक्यूटिन लगाते ही ये मॉडिफाई हो जाएगा, अब ये इसको नहीं पहचानता, आप देखेंगे डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है? सी का कुछ बोला था। सो जो एस सी एफ एस ने इसने क्या काम किया? रिकॉग्नाइज करने का काम किया किसको? आप देखेंगे इस यहां से हटाने के लिए इसके ऊपर एक प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, दैट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ, तो कोई यहाँ पे बैठा है जो कि फॉस्फेट लगा देगा, फॉस्फेट लगाते ही यहाँ से हट जाएगा, है ना? फॉस्फेट कौन लगा सकता है? कई सारे इनहिबिटर्स तो नहीं, फॉस्फेट लगाने वाले काइनेज हैं, कई सारे यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा काइनेज काम कर सकता है? कर सकता है ना काम, ये तो प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हमने कहा बात की कि ये खत्म हो गया, या फिर there are some kinases, right? So क्या करेंगे वो? इसके ऊपर फास्फेट लगा देंगे, फास्फेट लगाते हैं इसका काम क्या है? इसको क्या होना चाहिए? डिग्रेड होना चाहिए, वो कौन करेगा? SCF, कैसे? रिकॉग्नाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ F सबयूनिट, एंड देन S सबयूनिट क्या करेगा? पॉली यूबीक्विटिनाइजेशन करा देगा, और आगे की स्टोरी हम जानते हैं, यूबीक्विटिन जोड़ दिया तो अब इसके साथ क्या होने वाला है, राइट? ऐसा होती है अब ये दोनों सबयूनिट्स अपने एक्टिव फॉर्म में आ गए जुड़ने के साथ साथ, राइट? और एक्टिव फॉर्म में आ गए तो अपना काम करेंगे, और काम क्या है इनका? एस फेज क्रॉस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? जी टू, है ना? जी टू फेज आ गया, जी टू फेज वाली सारी तैयारियां होंगी,
और वो सारी तैयारियां हो गई, देन जी टू एम चेक पॉइंट क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा सारा कुछ होने वाला है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ये वाली बातें हो चुकी है, अब यहाँ पे जाए, ठीक है, राइट, ओके, ये सारी बातें कर चुके हैं, अभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अंदर ये होने के बाद ये और फिर आगे, ठीक। ये पूरा बेसिक आउटलाइन है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो SCF क्या है, जो हमने 7 एंजाइम्स की कैटेगरीज के ग्रुप्स के बारे में बात की थी, उसमें से SCF क्या है, ये किसका एग्जांपल आता है, किसके लिए ये एग्जांपल के तौर पे यूज किया जा सकता है, क्या काम करा रहा है ये, सेवेंथ वाला क्या करा रहा है, यूबीक्विटिनाइजेशन करा रहा, मतलब यूबीक्विटिन लाइगेज का एक एग्जांपल है SCF, है ना, क्योंकि वहां पे एग्जांपल हमने डिस्कस नहीं किया, और एक एग्जांपल बोला ना, कौन सा था वो, सिक, सिक किसका एग्जांपल है, जब एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए कि भाई सिप का कोई एक आध मेंबर मालूम होना चाहिए, किप का कोई एक आध मेंबर मालूम होना चाहिए, इंक को हमने लिखा है इंक 4 इंक 2 1, बड़ी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, बोलो बोलो कैसे, कल आपको अच्छे से बताया था कि सिप का मतलब क्या, किप का मतलब, उनका नाम से पता चलता है किसको इनहिबिट करता है, तो वो काइनेज को इनहिबिट करने वाला जो था, दैट इज सिक, काइनेज को इनहिबिट कर रहा है, वो कौन सी कैटेगरी का मेंबर हुआ, किप का मेंबर हुआ, किप फॉर व्हाट, काइनेज सीडीपी। तो इसलिए कल मैंने अच्छे से थोड़ा टाइम लेते के बताया कि याद रहना चाहिए, आगे ना डायग्राम बनाया था ना, इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या बन चुका है, अब इससे ज्यादा फास्ट भी नहीं जा सकते, इससे ज्यादा स्लो भी नहीं जा सकते, इस तरह पास आएंगे समझेगा, ठीक है। चलो, सो क्या बन चुका है, सी डी के क्या बना देते, फोर सेकंड कौन सा बना, डी, और ये अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में है, सारी चीजें अवेलेबल है, राइट, और ये बन गया है, तो अब ये कुछ आगे भी प्रोसेसेस कराएगा, मतलब कोई फैक्टर का एक्सप्रेशन कराएगा, उसको एक्टिवेट कराएगा, और वो फैक्टर आगे जाकर के साइक्लिन ई को एक्टिवेट कराएगा, प्रोड्यूस करवाएगा, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये रहा E to F factor, क्या है ये E to F factor, और ये जो है this is called retinoblastoma, RB, retinoblastoma, ठीक है,
आगे जाए और क्योंकि ये बन चुका है काइनेज एक्टिविटी करने वाला, ये क्या कर देता है इसका फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन करते ही अब आप देखेंगे राइबोब्लास्टोमा के अंदर क्या आ जाएगा, कंफर्मेशनल चेंज, और कंफर्मेशनल चेंज से कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो पहचानता नहीं इसको, मींस बाइंडिंग साइट नाम से डिसअपीयर या फिर कह सकते हैं चेंज होने की वजह से, स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो नहीं पहचानता इसको, एपिडर्मल ग्रोथ। अभी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है इससे, ठीक है। कंडीशन कुछ इस तरह से थी, फॉस्फोरिलेशन हुआ और वो क्या हो गया सेपरेट, और क्योंकि वो फ्री है आप देखेंगे यहां पे अंदर की तरफ, यहां देखेंगे उसके पास एक एंड है विच इज कॉल्ड एन एल एस, क्या कहते हैं एन एल एस, ये एन एल एस छुपा हुआ था पहले कहां पे, रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर से छुपा रखा था, पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं जा सकता, राइट। लेकिन अब रेटिनोब्लास्टोमा के हटते ही क्या एक्सपोज हो गया उसका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, ये सब सारी चीजें कहां हो रही है सेल के अंदर, और यहां पे इस जगह पे क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स है, ओके। क्योंकि सर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल दिखना शुरू हो गया है तो कोई इम्पोर्टिन आकर के बाइंड हो जाएगा, इम्पोर्टिन बाइंड करेगा और उसे कहां ले जाएगा न्यूक्लियस पर। अब न्यूक्लियस के अंदर की बात कर लेते हैं तो पता चलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ जीन्स हैं जैसे कि साइटिन बी का जीन है, जी तो बन गया ना, क्या जीन ई का जीन है, उसी के थोड़ा सा आगे बता देते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये आरपी, इसका भी मान लीजिए कहीं पे जीन प्रेजेंट है, होगा ही क्योंकि वो प्रोटीन है, उसका भी कहीं पे जीन होना चाहिए, तो दिखा देता है सपोज दैट जीन इज प्रेजेंट, ओके यही तो है। अभी तो हम इन दोनों से ज्यादा मतलब रखें, सो नाउ दिस इटर फैक्टर ये आएगा और प्रमोटर साइट्स पे बाइंड हो जाएगा, कहां पे प्रमोटर साइट्स पे बाइंड हो गया, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिवेटर ऐसा मान सकते हैं, इसका काम कर रहा है जीन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर प्रोटीन का काम कर रहा है, कहां करके बाइंड हो गया प्रमोटर साइट पे, इसके जीन पे, कौन से जीन के, तो कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स एंड दे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, कि कोई पर्टिकुलर सिग्नल मॉलिक्यूल आपके सेल्स में है वो न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर के वो कहीं पे भी बाइंड नहीं हो सकता, कहां पे बाइंड होगा उसके कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे जहां वो बाइंड हो सकता है, और वहां अगर वो बाइंड होता है दैट मीन्स इसके आगे के आसपास के जीन्स का क्या करेगा वो एक्सप्रेशन कराएगा, इस तरीके से भी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कराया जा रहा है,
कि ये जाकर के अगर कहीं भी बाइंड होता तो ये बहुत सारे प्रोटीन्स बनवा लेता, लेकिन आप देखेंगे नो, इट इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोमोटर साइट ऑफ साइक्लिन ई, साइक्लिन ए, इनके लिए ये एफिनिटी रखता है, इनको ही जाकर के बाइंड होता है। इसका क्या मतलब, इनका काम ही यही है कि ये किसका एक्सप्रेशन कराएंगे, ई का कराएंगे, ए का कराएंगे, इनका और कोई फंक्शन नहीं। सो आए उनके बाइंड हो गए, बाइंड होने के बाद आप देखेंगे नाउ ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, ऊपर बनाते हैं क्या बनेगा, एम आर एन। ये एम आर एन में यहाँ को नहीं रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ले आओ इसको, चलो ले आते हैं इसीलिए So, सबसे पहला वाला आ रहा है साइक्लिन ई का एमआरएन, ठीक है आ गया। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन होगा, तो कोई राइबोसोम आएगा, बाइंड होगा और इससे क्या बनाएगा, साइक्लिन ई बनाएगा, साइक्लिन ई बन गया, साइक्लिन ई बन गया। तो हमने अभी बात की कि सीडी के तो पहले से साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता ना, वो तो हमेशा पड़ा रहता है। डिग्रेड क्या होता है, साइक्लिन। सो सीडी के टू तो पहले से पड़ा हुआ और क्या बन गया, ई। और ई का बनना जो है आप देखेंगे ये यहाँ पर इसे बाइंड हो जाएगा और इसका एक्सप्रेशन करवाएगा, इसका एक्टिवेशन करवाएगा, इट्स मोर एक्टिव। ई अगर के बाइंड हुआ और ये कॉम्बिनेशन अब क्या कर सकता है, फंक्शंस कर सकता है। क्या फंक्शंस, जीवन एस चेक पॉइंट को क्रॉस कर सकता है। इसका ही काम ये बनता है, इसका मतलब है कि जीवन का सारा काम पूरा हो चुका है। नाउ यू हैव टू एंटर इनटू अ यस, मतलब ये मेन गेट पास है, ये बन गया, इसका मतलब कि आप उस चेक पॉइंट को क्रॉस कर सकते, ठीक है। अभी हम कहाँ पे, अभी हम लोग कहाँ पे, मतलब जीवन खत्म हो करके एस में एंट्री करेंगे। अभी जीवन में जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है वो होगा, इसको नहीं, इसको कैसे पता चलेगा, इसको सीडी के को और इसको कैसे पता चलेगा, सही है। इसको ये बनेगा कब, जब ये एक्टिवेट होगा, है ना, ये कब बनेगा, जब कौन एक्टिवेट होगा, सीडी के फोर एंड सिक्स। सीडी के फोर एंड सिक्स कब बन रहा है, जब पहले से ही हर चीज फिक्स हो चुकी है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, अब मुझे डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के लिए एक सिग्नल जनरेट करेगा, दैट इज माइटोजन। हो चुकी है, इसलिए तो क्या प्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ फैक्टर। इसको थोड़ी पता चलती है, पता किसको चलती है, रिसेप्टर पे आकर के कोई सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होता है, सही है। कहने का मतलब है कि कोई कोई आप हाँ उधर से ही इंफॉर्मेशन मिल गई है कि सारा का सारा परफेक्शन हो चुका है। नाउ वी हैव टू एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल में जाना इतना भी आसान नहीं है, पहले आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर आपको नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आप इस फेज में जा पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी बातें तो पहले ही खत्म हो चुकी है, सेल परफेक्ट तरीके से तैयारी कर चुका है, करेक्ट, सारे प्रोटीन्स बना चुका है, सारे प्रोटीन्स बना चुका है मतलब सारे रिक्वायर्ड जीन्स का एक्सप्रेशन कर चुका है, इसका मतलब माइटोजन का भी एक्सप्रेशन कर चुका है ना। अगर इसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ होता तो बात आगे जाती ही नहीं ना, करेक्ट।
अगर माइटोजन बन रहा है इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके, हर चीज परफेक्ट है, सारे प्रोटीन्स बन चुके हैं, सारी बेसिक प्रिपरेशन हो चुकी है, वो पहले से ही सेंस कर लिया है, करेक्ट। और ये सारी चीजें कन्फर्म हो चुकी है इसलिए अब आगे की प्रोसेस चालू है, नहीं तो ये भी नहीं होता जिसका भी एक्सप्रेशन नहीं हुआ होता, करेक्ट। तो इसका एक्सप्रेशन होना इट इज अ इंडिकेशन फॉर कि अब सेल डिवीजन में जा सकता है, मतलब सर एक्टिवेशन होने के बाद केवल इंडिकेट करता है, यस हां मतलब इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कह रहा हूं, इसका बनना ये मतलब होता है, इसके बनने का मतलब ये है कि अब सेल आगे वाले प्रोसेसेस में जा सकता है, प्रमोट कर सकता है, व्हाई बिकॉज नाउ द जीवन फेज में ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है, मतलब इसके बनने का मतलब केवल होता है इंडिकेशन है नेक्स्ट फेज में जाना है, समझ नहीं होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, हर चीज सिस्टमैटिकली अरेंज है, राइट, सिस्टमैटिकली अरेंज है, कोई आवाज नहीं हो रही, कोई शोरगुल नहीं हो रहा, हर चीज प्रॉपर तरीके से जा रहा है, इसका क्या मतलब, हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही है, जैसे अरविंद आपने की वो सारी अरविंद परफेक्ट है, ठीक है, बट वहीं पे आपने कुछ अरेंजमेंट गड़बड़ी कर दी जिसकी वजह से शोर भी होने लगा, भीड़ ज्यादा बढ़ गई, कहीं पे किसी काउंटर पे ज्यादा गड़बड़ी हो गई, समझ में, तो उस केस में क्या होगा, ये आपको समझ में आएगा कि नॉट इज नॉट अ परफेक्ट अरेंजमेंट या उसको कमी रह गई, ऐसी बात होगी कि ये बन रहा है या फिर ये सारा प्रोसेस कभी शुरू होगा, सेल क्विसेंट फेज में न जाकर के डिविजन फेज में कब जाएगा, जब हर चीज परफेक्ट होगी, सब चीजें बन चुकी होंगी जो कि जीवन फेज में बननी चाहिए, बन गई, बनने के बाद कि कोई एक ग्रोथ फैक्टर बना होगा, राइट, सारी चीजें परफेक्ट है तो वो ग्रोथ फैक्टर का भी एक्सप्रेशन हुआ होगा, और ग्रोथ फैक्टर का एक्सप्रेशन हो गया दैट मींस व्हाट, कि सर डिविजन वाले फेजेस में जा सकता है, डिविजन वाले फेजेस में मतलब जीवन एस चेक पॉइंट, जीवन वर्ड सॉरी हाँ जीवन एस चेक पॉइंट को क्रॉस कर सकता है और आगे वाले फेजेस में जा सकता है, और अगर कमी रह गई होती तो कुछ प्रोटीन्स नहीं बने, उन जीन्स को जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है शायद एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का भी एक्सप्रेशन नहीं हुआ होता, है ना, क्योंकि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बनना मे बी इट इज अ वेरी लास्ट प्रोसेस, सबसे लास्ट में होता है जब सारी तैयारियां हो चुकी है, और वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है कि तैयारियां अभी बाकी है, तैयारियां बाकी है, तैयारियां बाकी हैं तो उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा तो सेल साइकिल आगे वाले फेज में प्रमोट ही नहीं होता, मतलब सेल बनने का यही मतलब हुआ ना कि सब चीज ओके है, yes. आगे से पास कराया जाए, हाँ बस, तो और ये पास कराने का काम नहीं करता, खाली एक बताता है कि हर चीज ये पास करने का काम नहीं करता, नहीं करता खाली बताता, ये क्या काम करता है कि पास करने वाले को बनवाता है, पास कौन पास करवाता है इस चेक पॉइंट को, ये अब इस आगे वाले को पास कराने का काम ये करेगा, यस, नहीं आगे वाला मतलब जीवन एस चेक पॉइंट को क्रॉस कराने का काम इनका है, यही तो लिखा ना इसका हमने, सही है, सिंपल, अब क्या होगा जीवन एस चेक पॉइंट क्रॉस हो गया, तो जीवन एस चेक पॉइंट क्रॉस हो गया तो अगला फेज क्या है, एस फेज, एस फेज में क्या होना चाहिए, हाँ डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए, स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होनी चाहिए, और भी कुछ फैक्टर्स बनने चाहिए जो कि आगे वाले फेज में लगेंगे, सही है, सब बन गया, सब चीज रेडी हो गई, याद रखिए उसको प्रमोट करने के लिए, एस चेक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो साइक्लिन चाहिए वो बन सकता है, और यही बन जाएगा एक्चुअली, कहाँ बन जाएगा, जीवन फेज में बन जाएगा, लेकिन अभी हमने बात की कि वो अपना काम नहीं कर सकता, चलो उसको भी बना लेते हैं, अभी क्या बनाया हमने, ई, क्या बनाया, ई बनाया, और ये अपना काम भी करना शुरू कर दिया, राइट, लेकिन साथ ही साथ किसका एक्सप्रेशन हो सकता है, ए का भी हो सकता है, तो ए को भी बना लेते हैं, तो कोई ए वाला जो है छोटा तो ये रहा एम आर एन ए, इसका भी क्या होगा,
ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा साइक्लिन ए कहाँ बन गया ये कहाँ बन गया ये साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में बन गया कौन से फेज में जीवन फेज में बन गया काम कहाँ करेगा एस फेज के एंड में कहीं काम करेगा बन कहाँ गया जीवन फेज में ठीक है लेकिन क्योंकि ये काम एस फेज में कर गया तो इसे एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए अपने सिलिकी के साथ बाइंडेड नहीं रहना चाहिए फिर बाइंड भी हो जाए तो उस कॉम्बिनेशन को काम नहीं करना चाहिए यही होना चाहिए राइट सो साइटिंग ए है इसका सीडीके क्या था इसका सीडीके क्या था सीडीके टू यही था ना तो ये जाकर कैसे जुड़ जाएगा जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट लेकिन ये कॉम्बिनेशन काम नहीं कर सकता क्यों क्योंकि अभी हमने बात की सीडीके क्या है काम नहीं कर सकता क्योंकि अभी से काम करना भी नहीं चाहिए कहाँ काम करना चाहिए एस फेज में जब कहीं एस सी एफ बनेगा उसके बाद फिर वहां पे कोई फॉस्फोरिलेशन करा देगा एक्टिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं है ना एक्टिवेटिंग फैक्टर्स मतलब फॉस्फोराइलेट कराने वाले राइट सिर्फ एक्टिवेशन वाले पोजिशन में फॉस्फोरेशन करा देंगे या फिर ये ऐसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स उनके भी फॉस्फोरेशन करा देंगे और इसको फॉस्फोरेशन करा के यहाँ से हटाया तो आगे का प्रोसेस समझा दें राइट अभी तो हम कहाँ पे रुके हुए हैं जीवन एस चेक पॉइंट पे थे अब उसको क्रॉस कर चुके हैं कहाँ पे आ गए एस चेक पॉइंट पे राइट आगे जाए तो ये दोनों चीजें समझ में इन दोनों का एक्सप्रेशन कैसे हुआ और काम वो कैसे करेंगे Now, जरा सा इसके बारे में भी बात करें रेटिनोब्लास्टोमा ये जीन मतलब इस प्रोटीन का भी कोई ना कोई क्या होगा जीन होगा और इसका भी एक्सप्रेशन किसी तरीके से होता होगा सेल्स के अंदर रेगुलरली हमेशा उनका एक्सप्रेशन होता रहता है और उनका एक्सप्रेशन क्यों होना जरूरी है क्योंकि वो बनेंगे तभी वो क्या करेंगे जाकर के किसी तरह के e to the factor को inhibit कर देंगे क्योंकि हमेशा सेल डिवाइड होना चाहिए क्या हमेशा साइक्लिन e और a बनना चाहिए क्या नहीं कब बनना चाहिए जब सेल डिवाइड होना चाहे या सेल डिवाइड होने लायक हो तभी बनना चाहिए राइट सो इस केस में रेटिनोब्लास्टोमा का कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन होता रहता है और वो किसके साथ बाइंडेड रहता है जितने भी e to f बनते हैं उनके ऊपर वो बाइंडेड रहता है रोक के रखता है ठीक है और अगर इसी जीन में म्यूटेशन कर दें तो तब क्या हो तब तो आप देखेंगे कि जीवन एस चेक पॉइंट सबसे जरूरी चेक पॉइंट है सबसे मेजर चेक पॉइंट है उसका कोई मतलब ही नहीं होगा वो क्रॉस होता रहेगा भले ही इस जीन का एक्सप्रेशन हो नहीं हो है ना भले डी वाला साइटिंग बने नहीं बने क्या होगा जीवन एस चेक पॉइंट क्रॉस होता रहेगा लोग एस फेज में जाते रहेंगे एस फेज में जाएंगे एस फेज को भी क्रॉस कर लेंगे जीवन फेज में जाएंगे जीवन फेज को भी क्रॉस कर लेंगे और अब देखेंगे इट विल लीड्स टू कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन सो सबसे पहली बात इस तरह के कैंसर को देखा गया आंखों के कैंसर में दैट इज रेटिना से रिलेटेड जो कैंसर होता है उसमें इस चीज को ऑब्जर्व किया गया और देखा गया There is one gene which is responsible for this. वो एक जीन है जो एक प्रोटीन बनाता है जो कि e to a factor को बांधे रखता है, इनहिबिट करके रखता है। और इसीलिए उस जीन को नाम ही दे दिया गया रेटिनोब्लास्टोमा। So majority of the time, जितने भी जीन्स हम पढ़ेंगे, which is responsible for some control, regulation of some cancer, ठीक है? जितने भी प्रोटीन्स के बारे में बात करें कि वो कैंसर कॉज कर सकता है आप देखेंगे उनके नाम इस बेसिस पे दिए गए हैं कि वो अगर काम न करे तो एक्सप्रेशन क्या होगा या फिर इफेक्ट क्या आएगा ठीक है कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन वो रेटिनोब्लास्टोमा जीन क्यों कहा गया क्योंकि अगर ये काम ना करे तो क्या होगा कैंसर और सबसे पहली बार इसको कहां ऑब्जर्व किया गया रेटिना के अंदर होने वाले कैंसर्स में
एंड दैट्स व्हाट द नेम इज गिवन. लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ आपको के सेल्स में पाया जाता है क्या? नहीं, इट इज मोस्टली ऑल सेल्स. सो सब डिवाइड हो सकते हैं, सब में प्रेजेंट है. लेकिन सबसे पहली बार जहाँ ऑब्जर्व किया गया उसके अकॉर्डिंगली या उस कैंसर के अकॉर्डिंगली उसको नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड रेटिनो. सो जो भी नाम होंगे इस तरह के, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कि वो काम न करे तो क्या होता है, क्या होता है कैंसर, कौन सा? रेटिना का कैंसर होता है. ठीक है, so the name is given for retinoblastoma cancer. Simple. Okay, कल भी ऐसी बात की थी कि इधर RAS protein जो उसका काम है phosphorylation करना, किसका? RAF का. अगर वो ना करे कुछ नहीं होगा, सेल डिवाइड ही नहीं करेगी, मतलब ये तो बनेगा ही नहीं, ये नहीं बनेगा तो आगे कोई चीज नहीं होगी, है ना. और अगर उसके ऊपर या फिर वो अपना काम जरूरत से ज्यादा करे तो मतलब जरूरत हो नहीं हो, वो फास्फेट जोड़ता जा रहा है तो क्या देखेंगे इसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा. इसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा तो आगे की चीजें भी ज्यादा होगी, और ये ज्यादा हो तो ये भी क्या करेगा, एक तरह का कैंसर इंड्यूस करेगा. सबसे पहली बार इस तरह के डिफेक्टेड प्रोटीन को मुर्गियों के अंदर एक कैंसर कॉज करते हुए देखा गया, तो मुर्गियों के दोनों लाइक कैंसर है, राउस सार्कोमा कैंसर, उसमें चेक ऑब्जर्व किया गया. हाँ, एंड दैट इज एक्चुअली म्यूटेशन इन विच जीन? रैस जीन. रैस जीन में म्यूटेशन हो गया, तो उससे रैस प्रोटीन जो बन रहा है वो सही से नहीं बन रहा है. कैसा बन रहा है? एक्सेस काम कर रहा है. एक्सेस काम मतलब उसका काम है कि जब जरूरत हो तो आगे वाले रैफ प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट जोड़ दे ताकि आगे की प्रोसेस चल सके. कल का अगर आप साइकिल देख रहे हैं तो वही काम है उसका. लेकिन अपना काम जरूरत से ज्यादा करने लगे तो मतलब जरूरत होना हो फॉस्फेट जोड़ता रहे रैफ के ऊपर, तो रैफ आगे वाले के ऊपर फॉस्फेट जोड़ेगा, वो उसके आगे वाले के ऊपर फॉस्फेट जोड़ेगा, और इस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा. और इस जीन का एक्सप्रेशन हो तो ये वाली चीजें भी बहुत ज्यादा होगी. ये वाली चीजें ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है? अगेन जो सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और कैंसर होगा. ठीक है, आगे जाए. तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब हर चीज, अभी जो हम बात कर रहे हैं तो कैंसर पॉइंट से बात नहीं कर रहे, ये तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हर चीज परफेक्ट तरीके से चलती रहे तो ऐसा देखने को मिलेगा. सही है, राइट? कि रेटिनोब्लास्टोमा में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन मतलब अपना काम करना बंद कर दे तो कैंसर होता है, यही है ना. लॉस ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है? कि आपको ठोकर लगी और आपकी याददाश्त चली गई, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ फंक्शन, है ना. जबकि रैस प्रोटीन में लॉस ऑफ फंक्शन से सेल डिवाइड होना बंद कर देता है, वहां पे गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा कि जो काम कर रहा था वो जरूरत से ज्यादा करने लगे. मतलब आपको ठोकर लगी और आपकी दिमाग कम होने की जगह, याददाश्त जाने की जगह आपका दिमाग और बढ़ जाए, आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाए, जहां आप बहुत ही कम दिमाग का ऐसा यूज करते थे आप वो 90% यूज करने लगे, तब क्या होगा? कैंसर नहीं होगा. वो कौन सा मूवी था? लूसी. हाँ, वो हो जाएगा. समझ रहे? सो लॉस ऑफ फंक्शन एंड गेन ऑफ फंक्शन बोथ दे कैन कॉज कैंसर. रेटिनोब्लास्टोमा में लॉस ऑफ फंक्शन कैंसर कराता है, जबकि रैस प्रोटीन में गेन ऑफ फंक्शन क्या कराता है? कैंसर, है ना. लॉस ऑफ फंक्शन गेन ऑफ फंक्शन का मतलब समझा? ठोकर लगी और याददाश्त चली गई, अब आप खाली जगह बैठे वैसे से यहाँ देख रहे, समझ नहीं आ रहा, आप भूल गए सब कुछ, आपका काम क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन. ठोकर लगी, दिमाग बढ़ गया, सबसे सारी चीजें आपको ज्यादा समझ में आ गई और आप बहुत ज्यादा काम कर रहे, गेन ऑफ फंक्शन, है ना. आगे जाए. हर चीज परफेक्ट तरीके से हो तो स्टोरी ऐसी होगी,
हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग। अगर डीएनए में म्यूटेशन हो जाए तो डीएनए में म्यूटेशन हो जाए तो क्या इस साइकिल को उसी तरीके से चलना चाहिए? क्या म्यूटेशन एस फेज क्रॉस और हो गया होगा तो है ना, तो जो सेल्स बनेंगे सही नहीं बनेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं जरा सा अलग, थोड़ा सेल साइकिल को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा कि अगर डीएनए में डैमेज हो जाए तो ये सेल साइकिल में रिस्पॉन्स क्या आएगा? ठीक है, डीएनए में क्या हो जाए डैमेज तो इसी सेल साइकिल में रिस्पॉन्स क्या आएगा? सो देयर आर सम, हम बात कर रहे हैं कुछ म्यूटेशन सेंसरी प्रोटीन्स के बारे में, इसके बारे में और यू कैन से फैक्टर्स म्यूटेशन सेंसरी म्यूटेशन सेंसरी फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और दो फैक्टर्स हैं, नाम चीज को पहले से लिख लो। सबसे पहला है एटीएम, उसका फुल फॉर्म तो भाई मुझे नहीं मालूम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ना, एटीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाँ, और एक और है एटीआर, एटीआर। ठीक है, दोनों क्या है एक तरह के फैक्टर्स, म्यूटेशन सेंसरी प्रोटीन्स और फैक्टर्स। ठीक है, ये जो बंदा है ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, अगर म्यूटेशन में दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स में तक लग जाए, टूट जाए डीएनए, दोनों स्ट्रैंड टूट जाए, अलग हो जाए, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जैसे म्यूटेशन को सेंस करता है कौन? एटीएम। इसका काम क्या है? और भी कुछ है फिल्टर करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। चलो आगे जाए। सो क्या कर रहे हैं कि एटीएम जो है ये क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज को रिकॉग्नाइज करता है, सेंस करता है, जबकि एटीआर सिंगल स्टैंडर्ड और ये अकेले काम नहीं करते, ये ग्रुप में काम करते हैं। इसका एक दोस्त है कॉल्ड चेक टू, क्या नाम है? अब ये फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स को कैपिटल लिखना चाहिए, चेक वन। एटीएम से चेक नहीं होता, कैश नहीं होता। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि एटीएम अकेले काम नहीं करता, इसका कोई और को फैक्टर है, तो इसके साथ काम करने वाला एक और फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड सी
एच के चेक वन चेक टू। ऐसे चेक टू किसका है? एटीएम का, क्योंकि वो दो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को अटेंडेंस करता है। और ये तो देखते हैं कि क्या होगा कि डीएनए है तो सारी चीजें कहाँ चल रही है फिलहाल? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहीं पर कोई जीन का उस कोई जीन है एक्स सपोज, कोई जीन है वाई, और इनमें क्या हो चुका है? म्यूटेशन हो चुका है। म्यूटेशन भी खाने के म्यूटेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर डबल स्टैंड पर ब्रेक लगा है, that is a kind of mutation कि डबल स्टैंड पर ब्रेक लग गया यहाँ पे इस वक्त। तो यहाँ पे आकर के कौन सेंस करेगा इसे? एटीएम आएगा और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। थोड़ा सा अलग बना उनको फैक्टर समझने में, और आकर के बाइंड हो गया एटीएम, ठीक है। और यहीं पे बाजू वाले जीन का सिंगल स्टैंड ब्रेक लगा था ऐसा, तो यहाँ पे कौन बाइंड हो जाएगा? मतलब सेंस कर लिया कि पहचान लिया कि क्या हुआ है, डीएनए डैमेज हुआ है, ठीक, डीएनए का डैमेज हुआ है, सेंस कर लिया। अब ये सेंस करने के बाद क्या करेंगे? सिग्नल जनरेट करेंगे, मतलब ये अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज देंगे, एंड दैट इज चेक टू का फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही चेक वन का भी क्या होगा? एक्टिवेशन। और दोनों एक्टिवेट होते ही अब ये सारी की सारी बात को न्यूक्लियस से बाहर ले जाएंगे, सब न्यूक्लियस में होगा ना, डीएनए डैमेज न्यूक्लियस में ही होगा, इसे पहचानने वाले लोग भी अंदर ही घूमते रहते हैं डीएनए डैमेज। और जैसे ही पता चले कि डीएनए में इस तरह का डैमेज है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेप्लिकेशन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जीवन से उसे आगे वाले फेज में प्रमोट न करें, जहां है वही सेल्स को अरेस्ट कर दिया जाए। धारा 144 जो है वही रहे, अपने घर में रहे, कोई बाहर नहीं निकले, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं किया गया, कर्फ्यू नहीं लगाया गया, तो क्या होगा? उससे भी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है ना, कि कैंसर हो जाएगा, सीयर रुक जाएगा। इस केस में आप देखेंगे कि इन्होंने रिकग्नाइज कर दिया, रिकग्नाइज करके इन्होंने अपने को फैक्टर्स को एक्टिवेट भी कर दिया कि जाओ बाहर कुछ सिग्नल्स दे दो, ठीक है, ओके। जिसमें ये जो है ये सबसे पहले बाहर जाता है, ऐसा मान लेते हैं कि सबसे पहले बाहर गया चेक बाहर, और ये CDC25A बताओ क्या है ये? ईस्ट का बताइए, ईस्ट का फॉस्फेटेस, हाँ क्या है ये? CDK फॉस्फेटेस, ईस्ट का तो 28 है ना, है ना।
जो हमने 7 डिफरेंट प्रोटीन्स पढ़े थे उसमें ये एक लिक्वर है। तो कल आपने आए तो हमने कई सारे एग्जांपल ऐड किए, लिख लो फॉस्फेट्स का एक एग्जांपल, फॉस्फेट्स का एक एग्जांपल क्या CDC25A, कौन से नंबर का? फिफ्थ नंबर का एंजाइम, फिफ्थ नंबर का, पांचवा ना, पांचवा नंबर देखो कौन है। हाँ तो कंटिन्यू पांच ही, वो जो है पांचवा नंबर उसी की बात कर रहे हैं। फॉस्फेटेस का एग्जांपल है, एग्जांपल लिखो बस, क्या है? हाँ ये क्या करता है? सीडीके फॉस्फेटेस एक्टिविटी करता है, ओके? तो इसका नाम क्या है? सीडीके फॉस्फेटेस एक्टिविटी करना, और सीडीके फॉस्फेटेस एक्टिविटी होगी तो क्या होगा? रिमूव होता है, स्पेशली कहां से? इनहिबिटरी पोजीशन से। इसका काम ही वही है कि इनहिबिटरी पोजीशन से फास्फेट को हटा दे, ठीक है? और ऐसा करने से क्या होगा? सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, है ना? इसको हटाया इसमें इनहिबिटरी फास्फेट को, जो 14-15 पे लगे थे उसे हटा दिया, है ना? और ऐसा करते ही क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया कौन? सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, दोनों का जो ग्रुप है उसने एक्टिवेटरी फास्फेट को नहीं हटाया। एक्टिवेटरी फास्फेट को हटाने का आपको इनहिबिटरी सीडीके इनहिबिटर करता है, सीके आई करता है, सही है? ये किसको हटा रहा है? 15 और 14 जो फास्फेट लगे हुए थे उनको हटा दिया इसने, और उनको हटाने से दोनों कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स सीडीके और साइक्लिन का एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होते ही वो अपना काम करेंगे जो भी उनका काम है ना। मतलब सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए करके रखा गया था, बट इसके काम की वजह से क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया, और वो अब सेल साइकिल को प्रमोट करने लगे आगे वाले फेजेस में, क्योंकि डीएनए डैमेज है तो सेल साइकिल प्रमोट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में ये चेक आकर के इसमें फॉस्फेट जोड़ देता है। फॉस्फेट जोड़ते ही सबसे पहला जो बंदा काम करना बंद करेगा वो है CDC25A। फॉस्फेटेज को काम करने से रोक दिया जाएगा कि किसी भी साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटरी फॉस्फेट ना हटाए, क्योंकि उसे हटा देंगे तो वो सेल साइकिल को प्रमोट कर देंगे, राइट? धारा 144 लग रही है। सबसे पहले एक बंदे को, सबसे जो मेन था सीरिया का दादा, उसको ही पहले लोगों ने पकड़ लिया, है ना? नहीं ना, उसको बांध दिया अच्छे से, वो क्या करेगा, है ना? तो कब हटा सकता है? कि जब वो अपने फंक्शनल फॉर्म में, उसके पीछे से उसके ऊपर फॉस्फेट लगा के उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, कन्फर्मेशन चेंज आ गया, अब तो वो भूल गया है कि वो क्या करता था, है ना? तो वो कुछ नहीं कर सकता, ना अपना फॉस्फेट बढ़ा सकता है ना वो, कोई भी सेल्फ डीफॉस्फोरेशन नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी ना इसको रोक दिया गया, अभी हम अलग बात कर रहे हैं, सेल साइकिल को दूसरे साइड से देख रहे हैं, सेल साइकिल का हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर म्यूटेशन हुआ तो क्या रिस्पॉन्स होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है? तो कहीं पर किसी पर मत डाल, आगे जाए तो क्या हो गया? फास्फोरिलेशन होने की वजह से अभी अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब देखेंगे यही बंदा और भी काफी सारे लोगों के ऊपर फॉस्फेट जोड़ने का काम करता है और उनको इनहिबिट करता है, ठीक है? अब बात कर रहे हैं चेक टू, चेक टू यहां से बाहर आएगा और बाहर आकर के वो एक और प्रोटीन जो बहुत ही जरूरी प्रोटीन है
बहुत जरूरी फैक्टर है। इस फैक्टर के ऊपर क्या जोर देगा, चार सब यूनिट का बना हुआ है ये फैक्टर, चार सब यूनिट का है, ठीक है, जिसका नाम है P53, जिसे गार्जियन ऑफ सेल भी कहते हैं। ये सेल का गार्जियन, गैलेक्सी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मतलब क्या, सेवर, बचाने वाले, ऐसे सेल की रक्षा करने वाला है, गार्जियन ऑफ सेल। क्या ये कि अगर ये सेल में है तो सेल को कुछ नहीं हो सकता, वो बचाता रहेगा सेल, लेकिन अगर ये ना रहे तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्मलिस की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हर चीज परफेक्ट चल रही है, तो ये बनेगा, बनने के बाद ये डिग्रेड होता रहेगा, कैसे, सो देखेंगे कि इसका भी जीन कहीं ना कहीं होता है। मान लीजिए ये P53 का जीन है और इसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन, इसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन ये बन रहा है, और क्योंकि बनना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, गार्जियन ऑफ सेल, ठीक है, लेकिन बन के ये रुकता कभी नहीं, मतलब ये स्टेबल फॉर्म में नहीं जाता, बनेगा और डिग्रेड हो जाएगा, बनेगा और डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, राइट। डिग्रेड कैसे होता है वो देखें तो पता चलता है, यहाँ पे HDM2 नाम का एक कोई फैक्टर है जो कि इसे अपनी बातों में उलझा लेता है, पकड़ लेता है, उससे बाइंड हो जाता है, और बाइंड होकर के ले जाएगा इसे, किसको दे देगा, यूबीक्विटीन लाइगेज को दे देता है, मतलब HDM2 इससे बाइंड हो जाएगा P53 से, और जब ये दोनों बाइंड होंगे तो इसका P53 का डिस्ट्रक्शन बॉक्स दिखने लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा कि P53 बनना जरूरी है, लेकिन बन के उसे स्टेबल फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, P53 बना, वो किसके साथ बाइंड हो गया, HDM के साथ, ठीक है, और बाइंड होते ही एक्चुअली इसने इसको बातों में उलझा लिया, उसके साथ बाइंड हो गया, और जब उसके साथ बाइंड हुआ तो पीछे से उसका डिस्ट्रक्शन बॉक्स दिखने लगा, उसको पता भी नहीं, और धीरे 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 ये इसको कहाँ ले जा रहा है, यूबीक्विटीन लाइगेज के पास, और जब डिस्ट्रक्शन बॉक्स दिखे, यूबीक्विटीन लाइगेज देख ले तो वो क्या करेगा, पॉली यूबीक्विटीन छोड़ देगा, है ना, लाइसिन दिखेगा वहां पे डिस्ट्रक्शन बॉक्स में, उसके ऊपर यूबीक्विटीन छोड़ देगा, और यूबीक्विटीन छोड़ते ही अब उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि P53 बनता है और HDM के साथ बाइंड होता है, उसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन बाय पॉली यूबीक्विटीनाइजेशन, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अभी अभी अंदर से एक सिग्नल आया है, किसने भेजा है, चेक टू ने, रुक जाओ, अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोरेशन कौन कराएगा, चेक टू, और फॉस्फोरेशन P53 का जैसे ही होगा ये अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। स्टेबल फॉर्म में आने का मतलब ये कि अब ये HDM से बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि तो इसके ऊपर क्या आ चुका है, फॉस्फेट जुड़ते ही इसमें कोई कंफर्मेशन चेंज आया होगा, जिसकी वजह से वो अब HDM के साथ बाइंड नहीं हो सकता, अब ये इसको बातों में फंसा करके इसके पास नहीं ले जाएगा। Now in this case, P53 कौन से फॉर्म में आ गया है, अपने स्टेबल फॉर्म में आ गया, इसका डिग्रेडेशन रुक गया, ठीक है। तो गार्जियन की जरूरत कब पड़ती है, मुसीबत जब आए तब, है उसके पहले उसकी क्या जरूरत, तो मुसीबत आई तो अंदर से सिग्नल आया, सिग्नल आते ही वो क्या हो गया, स्टेबल, बताओ क्या हो गया, और अब वो सब देख लेगा, ठीक है, राइट। जैसे ही सिग्नल मिलेगा
वो क्या हो जाएगा स्टेबल, और अब वो पूरी सेल के जिम्मेदारी लेगा, चलो क्या प्रॉब्लम है हम देखते हैं, जो भी इश्यू है उसको सॉल्व किया जाए, सेल को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, सेल को मरने नहीं दिया जाए, दैट्स द फंक्शन ऑफ गार्डियन। आगे जाए, सो अभी क्या हो गया स्टेबल, ऐसे जितने भी 353 बनेंगे वो सबको क्या कर दिया जाएगा, स्टेबल कर दिया जाएगा, उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा, और जैसे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है दे एंटर इनटू अ सेल अगेन, सेल में एंट्री करेंगे, कहां पे, सेल में ही न्यूक्लियस में एंट्री करेंगे, न्यूक्लियस में एंट्री करके सही सारे और भी जीन्स जो यहाँ लगे हुए हैं, नाम है P21, P27, P28, P16, P17, P18, ऐसे कुछ था ना, इन सारे जीन्स का एक्सप्रेशन करवाना शुरू करेगा कौन, कि भाई सबसे बड़ी मुसीबत आ गई है सेल के ऊपर, उसका डीएनए में डैमेज है, तो क्या किया जाए, पूरी पूरी पुलिस फोर्स को एक्टिव कर दिया जाए, 144 लगा रही है ना, राइट, जितने भी पी प्रोटीन्स हैं जिनको हमने कहां पढ़ा था, सिर्फ किट में वो सारे एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, P21, P27, P14, 15, 16, 18, 19 सारे, और वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सारे के सारे साइक्लिन्स CDKs पे जाकर के बाइंड करेंगे, उनको अलग कर दो, अब सेल साइकिल को उसी जगह पे क्या कर दिया गया है, अरेस्ट कर दिया, और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ P53, राइट, अब आप देखेंगे कि P53 को तो ये भी डायरेक्टली चाहे जाकर के वो बात बता सकता है, मींस ATR वो इसको फास्फोलेट कर रहा था ना, लेकिन ये चाहे तो ये डायरेक्टली जाकर के भी क्या कर सकता है, P53 को वो बात बता सकता है, मींस फास्फोलेशन करा सकता है, बट इस केस ऑफ ATM डायरेक्टली नहीं करेगा, वो किसके थ्रू कराएगा, चेक टू के थ्रू कराएगा फास्फोरेशन, कहने का मतलब है दोनों में से कोई भी फास्फोरेशन कराए P53 को स्टेबल कराए, होगा क्या कि जो P53 है अब ये पूरे सेल की जिम्मेदारी लेगा, कई सारे पी प्रोटीन्स बनाएगा, और वो सारे पी प्रोटीन्स कौन से कैटेगरी वाले हैं, सिप और किप वाले हैं, वो जाकर के क्या करेंगे, यस जाकर के उनके बाइंड हो जाएंगे और उनको काम करने से रुक डायरेक्टली जाकर के किसी बीच में इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सीधा जाकर के क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है इसको, So, इस केस में हुआ क्या, कि सेल के सारे प्रोसेसेस को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, सेल जहां था उसी पोजीशन पे उसे क्या कर दिया है, अरेस्ट कर दिया गया, और साइड बाय साइड ये लोग ATM और ATR जो कि सेंस कर सकते हैं डैमेज को, वो साइड बाय साइड मैसेज और भी किसी को दे रहे हैं, दैट इज DNA डैमेज रिपेयर मशीनरी को, है ना, कि कहीं ना कहीं रिपेयरिंग का सिस्टम भी हमारे अंदर अवेलेबल है, उस DNA डैमेज रिपेयर मशीनरी को एक्टिवेट करने का काम भी कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है, तो DNA डैमेज रिपेयर मशीनरी को एक्टिवेट किया जाएगा, यही लोग करेंगे, और उसके बाद वो आकर के यहाँ पे ये सारी चीजें ओके कर देगा, जैसे ही डैमेज को रिपेयर कर दिया गया, अब क्या हो, नॉर्मल तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी, कि फिर से ये अब काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा तो उसका शेड्यूल
स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा तो इसके साथ बाइंड हो सकता है, सब चीजें नॉर्मल हो जाए, ठीक है राइट। ये कब हो रहा है? जब डीएनए डैमेज रिपेयर कर दिया गया, मतलब सेल को देखा गया तो सेल में बड़ी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये सब कुछ किया, सेल को मौका दिया कि चलो अपने डैमेज को रिपेयर करो, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कहाँ रोक दिया गया है? मान लीजिए जीवन फेज में, जीवन फेज में आइडेंटिफाई कर लिया गया कि देयर इज अ डीएनए डैमेज, तो सेल ग्रोथ सेल साइकिल को प्रमोट नहीं किया जाएगा, अरेस्ट कर दिया गया, और सेल को मौका दिया गया कि जाओ अपने डैमेज को रिपेयर करो। इसका मतलब उसको सेल साइकिल से बाहर निकाल दिया गया, कहां पे? जी जीरो फेज में भेज दिया गया, क्विसेंट फेज में भेज दिया गया कि जाओ और अपना डैमेज रिपेयर करवाओ फिर आओ, है ना, क्योंकि वहां पे डीएनए डैमेज भी चेक किया जाता है, राइट। डीएनए डैमेज रिपेयर हुआ तो क्या किया जाएगा? सेल को आगे वाले फेज में प्रमोट किया जाएगा। डीएनए डैमेज का रिपेयर का मौका दिया बट नहीं हुआ, फिर से कुछ गड़बड़ी नहीं रह गई, सेकेंड टाइम मौका दिया नहीं हुआ, राइट, अभी भी डीएनए में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको ढूंढ लिया गया, रिकग्नाइज कर रहे हैं बार बार एटीएम एटीएस। तो आप देखेंगे ऐसे सेल को लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अब कसम खाओ इसके बाद कभी डिवाइड होने का नाम नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्विसेंट फेज में है तो उसके पास मौका है कि वो चाहे तो डिवाइड हो सकता है, इफ एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अगर वो कभी भी अपने आप को परफेक्ट तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ कमियां रह जा रही, तो सेल को लास्ट वार्निंग देकर के भेज दिया जाता है सेमिसेंस में, इसमें सेमिसेंस, एंड सेमिसेंस मींस कि अब वो कभी डिवाइड नहीं कर, जबकि प्लांट फिजियोलॉजी में सेमिसेंस का मतलब डेथ होता है, बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी सेल बायोलॉजी में जब बात कर रहा है सेल बायोलॉजी के अंदर, इसका मतलब डेथ नहीं होता, इसका मतलब होता है कि वो डिवाइड कभी नहीं करेगा, वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? सेमिसेंस। इसको कहां भेज दिया जाएगा? सेमिसेंस में। सेमिसेंस में जाओ मतलब अब आपको डिवाइड नहीं होना, तो उससे भी कसम उसमें डिवाइड होगी, कसम खा लोगे उसके बाद डिवाइड होने का नाम नहीं होगा, डिवाइड होने के बाद में सोचोगे भी, और अगर उसके बाद भी वो नहीं माना, डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, तब उसे बड़ी अच्छी प्लानिंग करके एपोप्टोसिस में भेज दिया, कि वो नहीं मान रहा है तो अब क्या करें, है ना। अब सब बिल्डिंग लगाएंगे, अच्छे से प्रोग्रामिंग करेंगे, और प्रोग्राम तरीके से उसको क्या कर दिया जाएगा? किल कर दिया। सो अलग अलग कंडीशंस हैं, जीरो फेज में जा सकते हैं, राइट, नहीं डिवाइड होने की इच्छा है बट डिवाइड हो, डीएनए डैमेज है जाओ रिपेयर हो जाओ, मैकेनिज्म आपके पास टाइम दे दिया गया है, जीरो फेज में जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप डीएनए डैमेज को रिपेयर कर ही नहीं पा रहे, तो इसमें भेज दिया जाएगा सेमिसेंस, राइट, कि अब जिंदगी में कभी डिवाइड होने का नाम नहीं लेना, और तभी भी नहीं मान रहा है, गलती पे गलती किए जा रहा है, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, नाउ प्रोग्राम तरीके से सेल की डेथ करा दी जाएगी, उसको किल कर दिया जाएगा, बिकॉज मे बी दैट डैमेज विल कॉज कैंसर। सो कहीं ना कहीं ये सारी मशीनरी एपोप्टोसिस के प्रोसेस को भी एक्टिवेट करने का काम करती है, रिपेयर मशीनरी का काम एक्टिवेट कराया, मौका दिया नहीं माना, सेलेसेंस करा दिया उसका फिर भी नहीं मार पाए, तो अब एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म को ऑन किया जाए, कौन कराएगा? यही कराएगा, तो किसी का फास्फोरिलेशन हो जाएगा वहां पे, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होगा, ऐसी कुछ चीजें होंगी, और फिर उस सेल को प्रोग्राम तरीके से किल कर दिया जाएगा, तो इसको एपोप्टोसिस। अब कुछ क्वेश्चन है आंसर लो, कि कोई P53 का जीन था उसमें म्यूटेशन हो गया, जो प्रोटीन बन रहा है अब वो काम का नहीं है, अपना काम नहीं कर पा रहा है,
तो P53 का जीन जो कि ये बनाता है इसके ऊपर या इसकी जीन में म्यूटेशन हो गया, ये अपना काम नहीं कर पा रहा, तो क्या हो? नहीं ये बनेगा, ये तो बनेगा लेकिन अपने फंक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। इसका मतलब है कि कभी भी सेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कभी पता नहीं चलेगा कि डीएनए में डैमेज है ना। ये कितना देर रिस्पॉन्स करें डीएनए डैमेज को सेल्स, मतलब मालूम नहीं पड़ेगा सेल को कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है तो देखेंगे आप कि नॉर्मली प्रोसेस चलता है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि इस अकेले को रोक कर भी क्या कर लोगे? ठीक है, इस अकेले को अगर आपने पॉसिबल के चुप करा दिया तो क्या होगा? ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं होगा। मेन कौन है? ठीक है, ये थोड़े समय के लिए रोक के रखने के लिए काम कर रहा था इसको, लेकिन आप देखेंगे जितने भी पी प्रोटीन्स बनते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा सीडीके के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाते हैं, उसको काम करने से पूरी तरह से रोक देते हैं। ओके, सो इस तरह से नाउ इट इज हाईली रिक्वायर्ड। और आप देखेंगे 50% कैंसर जो भी होता है, मेजर 50% कैंसर उसमें देखने को मिलता है कि ये जीन में क्या हो गया है। सो मेजर कैंसर आर ड्यू टू द म्यूटेशन इन जीन P53, क्योंकि वो सबसे जरूरी काम कर रहा है, राइट। और जितने भी कैंसर हैं उन कैंसर में, या फिर हम कह सकते जितने भी कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, काम कर रहे हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, मोस्टली दे आर वर्किंग ऑन कि HDM को अगर किसी तरीके से चुप करा लें तो कैंसर सेल्स के ग्रोथ को रोका जा सकता है, है ना। कि HDM अगर स्टेबल रह जाए, है ना, ये अगर स्टेबल रह जाए अपना काम करे तो क्या होगा? चुप करा दे मतलब ये अपना काम न करे, काम ना करे मतलब ये इसके साथ बाइंड न हो तो P53 स्टेबल हो जाएगा। P53 स्टेबल होगा तो सेल्स साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, सेल साइकिल। और कैंसर सेल में अगर यही काम हम कर ले तो कैंसर सेल कभी डिवाइड नहीं कर पाए। So, कितने सारे जो कैंसर मेडिसिन हैं, मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो डिजाइन किए जा रहे हैं, ज्यादातर टारगेट यही है कि किसी तरीके से इस जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाए। और इस जीन के एक्सप्रेशन अगर रोक दिया गया तो तब आप देखेंगे कि अब कैंसर सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा, भले कैंसर वाला सेल क्यों ना हो वो, लेकिन वो डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। धीरे धीरे बाद में हमारे नॉर्मल मैक्रोफेजेस और एपोप्टोसिस के सिस्टम्स उन कैंसर सेल्स को भी किल करके निकाल देंगे, नेचुरल नहीं नेचुरल निकलेगा तो कम से कम हम क्या करेंगे उसको ऑपरेट करके निकाल देंगे, राइट। ओके, हाँ, क्योंकि नॉर्मल सेल में ही उनकी जरूरत है ना, नॉर्मल जगहों पर ही तो उनकी जरूरत है। डीएनए में डैमेज है तो उसको डिवाइड मत होने दो। देखो ऐसा है कि जो सुनो, जो आपके एरियाज में जो सुरक्षा का काम करता है, जो ध्यान रखते कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, वो तभी बाहर निकलते हैं जब गड़बड़ी हो जाती है, नहीं वो घूमते रहते ठंडा लेकर के रात में भी हवलदार घूम रहे कि कोई गड़बड़ी ना हो। गड़बड़ी होगी तो डेफिनेटली वहां वो पहुंचेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसे एटीएम एटीएस तब नहीं बनेंगे जब डीएनए डैमेज हो जाए, वो कुछ से कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में सेल्स में पड़े रहे, राइट, चक्कर लगा रहे हैं यहाँ वहां से डीएनए को पूरा स्कैन कर रहे हैं और कहीं पर डैमेज मिला पकड़ लिया और आगे मैसेज भेज दिया कि बस सब चीजों को यहीं पे रोक दो। याद रखिए जितने भी जीन्स हैं, हम हाउसकीपिंग जीन्स की बात करते हैं, जिनकी जरूरत
हमारे सेल्स के नॉर्मल फंक्शंस के लिए है, उनका एक्सप्रेशन किसी न किसी लेवल पे हमेशा होता रहता है. मे बी दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एनहांस्ड लेवल, मे बी दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन देयर बेसल लेवल, और शायद बहुत ही सरप्राइज लेवल पे एक्सप्रेशन होगा, लेकिन होता जरूर है. ठीक है, मतलब वो प्रोटीन तभी नहीं बनती जब जरूरत होती है. दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर सम वेरिएंट कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जरूरत है तब वो अपने ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कराएगा. दैट्स है ना, सेंस कर लिया गया कि इसकी जरूरत ज़्यादा है तो उसकी जीन्स का एक्सप्रेशन को एनहांस कर दिया गया और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटीन बना गया. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मालूम. ठीक है ना, आगे सर तुम्हारा समय हो गया. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक लिस्ट बना ले, बड़े जरूरी है लिस्ट को. ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं. म्यूटेशन या फिर जो कैंसर है वो दो वजह से होता है कि कोई जीन या तो अपना फंक्शन वहीं से जा सकता है, क्रॉस कर लिया तब उसको नहीं आप जी जीरो में नहीं भेज सकते, सेलेक्शन को भेज दो या वहीं पे उसी जगह पे उसे मौका दे कि वो क्या करे, डीएनए को रिपेयर करे, डायमंड को रिपेयर करे उसी जगह. ठीक है, नहीं कर पाएगा तो सलेशन को भेज दें, सलेशन को भेज दें, यही एक रास्ता है. आप उसको जी जीरो में नहीं भेज सकते. जी जीरो में कहने का मतलब है कि वो लोग होते हैं जिन्होंने तैयारी पूरी नहीं की है या फिर वो डिवाइड ही नहीं होना चाहते, ऐसे अगर कोई डैमेज है किसी भी स्टेप पे मालूम पड़ा उसको वहीं अरेस्ट कर दिया, मौका दिया वहीं पे कि चलो रिपेयर कर, नहीं किया सलेशन को भेज दिया, सलेशन में नहीं जा रहा है, नहीं मान रहा है, आप प्रोसेस में भेज दें. मीन्स डीएनए जो डैमेज जो है अगर वो ज़्यादा कह सकते हैं कि वर्स्ट है अब उससे ना वो ठीक ही नहीं होगा, इतना बुरा डैमेज हो गया है तो उसको फिर अपना प्रोसेस में भेज देगा. ठीक है, सो कह रहा हूँ कि कैंसर जो भी होते हैं मे बी बाई टू रीजन्स, दो वजह से उसे उनको जाना नहीं हो चले जाना देख लेंगे. ठीक है, राइट, मे बी 10 मिनट लग जाए. कैंसर दो वजह से हो सकता है, या तो कुछ जीन्स जो सेल साइकिल में काम करते हैं, कुछ प्रोटीन जो सेल साइकिल में काम करते हैं वो अपना काम न करें तो कैंसर होगा, या तो फिर वो अपना काम जरूरत से ज्यादा करने लगे तो कैंसर. यही बात अभी तक हमने देखी है ना कि उन प्रोटीन्स को या उन जीन्स को जिनके फंक्शन न करने से कैंसर होता है उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, ट्यूमर सप्रेसर. ट्यूमर कि वो काम कर रहे थे तो क्या हो रहा था, कैंसर हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, और वो काम नहीं कर रहे इसलिए क्या हो रहा है. तो ऐसे जीन्स को या ऐसे प्रोटीन को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, ट्यूमर सप्रेसर वाली कैटेगरी में. वहीं पे ऐसे जीन्स जो अपना काम कर रहे थे तो सब कुछ सही था लेकिन अब उन्होंने ज्यादा मेहनत ओवरटाइम करना शुरू कर दिया, जरूरत से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, कैंसर. और ऐसे प्रोटीन या ऐसे जीन्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है, इट्स कॉल्ड ऑनको जीन्स, ऑनको फॉर कैंसर. ठीक है, राइट, सो ऐसे जीन्स जो अपना एक्सप्रेशन जरूरत से ज्यादा कर दे तो क्या होता है, कैंसर होता है. ठीक है, मीन्स वी कैन राइट हियर ओवर एक्सप्रेशन, ओवर होना चाहिए
ओवर एक्सप्रेशन क्या कराएगा? कोई जी ने वो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, ज्यादा अपना काम कर रहा है, नहीं करना चाहिए था उतना से, नॉर्मल तरीके से काम करता, नॉर्मल पेस से काम करता, तो उसे कह रहे थे नॉर्मल तरीके से काम करता तो उसे क्या कहते? प्रोटोन। क्या कहते? प्रोटो। वो करा सकता है कैंसर कर इंड्यूस कर सकता है, वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकता है कब? जब ओवर एक्सप्रेसिव है तो उसे ऑन्कोजीन कहेंगे, और नॉर्मल तरीके से काम करे तो प्रोटोन। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर मतलब यहां पे कब होगा? जब वो क्या करे? लॉस ऑफ फंक्शन करते चलेगा, लॉस ऑफ फंक्शन ठोकर लगी और याददाश्त चली गई, वही वाली बात है ना। क्या करना था वो भूल गए, ट्यूमर या फिर सेल साइकिल के किसी प्रोसेस को वो कंट्रोल कर रहे थे, रोक रहे थे। तो अब जरा बताइए कि हमने ऐसे कितने प्रोटीन्स की बात की कि अगर उनमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो म्यूटेशन होगा। हाँ, सबसे पहला वाला कौन से इसके बारे में बात की? आरबी। अगर वो अपना काम ना करे तो कैंसर। और म्यूटेशन हो जाए तो उसका उसमें लॉस ऑफ फंक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो कुछ नहीं होगा, सेल डिवाइड ही नहीं करेगा। बट गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो देखो यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा रैस, रैफ, मैक, ईआरके, ईएलपी, सब कहाँ पे आते हैं? प्रोटॉन को जीन्स की कैटेगरी, उनका जीन जो है वो प्रोटॉन को जीन की कैटेगरी का। और अभी हमने जो भी बात की P53 काम ना करे तो, P53 काम ना करे तो क्या होगा? राइट। और CHK1 है ना, CHK2, ATM, ATR, सब आएंगे ना इसमें, सारे पी प्रोटीन्स इसमें आएंगे। सारे पी प्रोटीन्स आएंगे नहीं आएंगे? कि वो कर क्या रहे हैं? सबको जाके रोक रहे हैं, उन्हें रोकना बंद कर दिया तो कैंसर। और कुछ बताओ, यहाँ पे जितने भी नाम पड़े ना अभी, वो सारे कौन कौन से नाम पड़े? सिंडिसी 25 अगर अपना काम करना बंद करे तो क्या होगा? करना बंद करे तो क्या होगा? फॉस्फेट, फॉस्फेट रिमूव नहीं होगा, फॉस्फेट रिमूव नहीं होगा तो सेल साइकिल चलेगी नहीं, सेल साइकिल चलेगी नहीं तो कहाँ कर सकते, सेल साइकिल चली नहीं ना। तो अगर वो अपना काम ज्यादा करने लगे फॉस्फेटेज, जो मिला उसका फॉस्फेट हटा दिया, जो मिला उसका फॉस्फेट हटा दिया, तो वो इधर आ गया CBC25 के इधर आ गया। समझ में? इस तरह से दिमाग लगाना है कि वो काम करेगा तो क्या होगा, काम नहीं करेगा तो क्या होगा, और जिस वजह से कैंसर होगा उसको उस कैटेगरी में रख देना, बस उसको उसी कैटेगरी में रख देना। ओके, और भी क्या पढ़ा हमने?
एसडीएम का क्या हो सकता है? एसडीएम अगर अपना काम ना करे तो क्या होगा? कैंसिल नहीं होगा, ज्यादा करे तो कहाँ आएगा, है ना? एसडीएम अगर ज्यादा काम करे तो यही होगा ना, ये ना फंक्शन होता, काम ना करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर ज्यादा कर रहा है तो ऐसे एक तुमसे लिस्ट है बनने की बात, राइट? हाँ चलो वहां से शुरू कर लेते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर है, E2F, नहीं पहले एपिडर्म में ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं कि ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है तो उसकी जीन में गेन ऑफ फंक्शन हो गया उसका एक्सप्रेशन, या फिर कह सकते हैं कि वो प्रोटीन जो बना वो अपना काम ज्यादा करने लगा, ज्यादा करने लगा मतलब वो क्या था, वो क्या लिखा था हमने, एपिडर्मल ग्रोथ राय साहब तो सारी लिस्ट हमने बनाई ली, E2F E2F का एक्सप्रेशन रोक दिया जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो क्या होगा, साइक्लिन ए नहीं बनेगा, ए नहीं बनेगा, ई बनेगा ना ए बनेगा तो क्या होगा, मतलब सेल साइकिल आगे प्रमोट ही नहीं होगी, सेल साइकिल ही प्रमोट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, और अगर वो ज्यादा काम करने लगे तो ज्यादा काम करने लगे तो बनता रहेगा और सेल साइकिल प्रमोट होता रहेगा तो वो भी नहीं आएगा, ई और ध्यान दे रहा कोई सिक नाम का प्रोटीन है ना, बताओ कोई सिक नाम का प्रोटीन है क्या कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, और उसी के जीन में म्यूटेशन हो जाए मतलब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए और वो इनहिबिट ही नहीं करेगा, फंक्शन बढ़ जाएगा तो काम मतलब ये है कि अब वो सेल साइकिल फटाफट फटाफट प्रमोट होगी ना, यही होगा ना, ये ना फंक्शन हो जाएगा कि आपका काम ज्यादा करने लगा, क्या जो मिलता उससे बाइंड जाता, जो मिलता उससे बाइंड हो जाता तो प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, सो मतलब इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो भी हैं सी के आई यहाँ पे आएंगे ना, राइट, लिख लो सी के आई ऐसा, मतलब कहने का ये कि बड़ा सिंपल है, क्या डिसाइड करना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन को जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूमर, सो कैंसर दो ही वजह से होते हैं, या तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो ऐसे जीन्स को ट्यूमर सप्रेसर जीन, जब वो काम कर रहे थे तो वो क्या करते हैं, कैंसर होने से रोक रहे थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे काम कर रहे थे तो सब चीज सही था, नॉर्मल था, लेकिन वो ज्यादा काम करने लगे तो क्या हो गया, उनको क्या कहा जाएगा, प्रोटो, पहले वो प्रोटो उनको जीन थे, ज्यादा काम करने लगे तो क्या हो गए, ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट है ऑन्कोजीन्स का, ठीक है, और एग्जांपल भी तो बहुत बहुत सारे वर्ब के, और आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको और भी अपने मन से एग्जांपल मिलते जाएंगे, ठीक है। अब हमें आगे जाना है, आगे मतलब अभी तो हम सिर्फ एस फेज तक पहुंचे हैं, एस फेज को क्रॉस भी कर सकते हैं, राइट, मतलब अभी हमें एस फेज को क्रॉस करके जी टू एम चेक पॉइंट पे जाना है, जिसके लिए कोई साइक्लिन लगेगा, दैट इज कॉल्ड ए, है ना, बन भी चुका है कोई इशू नहीं, अब वो भी क्रॉस हो जाएगा वहां, अब वो भी क्रॉस हो जाएगा तो फिर आएगा मेटाफेज की बात, और मेटाफेज में
के लिए जो चेक पॉइंट या फिर हम कह रहे हैं कि ये इस मेटा फेज में भी एक चीज लगेगी, मेटा फेज में वो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट वाला वहां पे कोई एक मैकेनिज्म पड़ेंगे। मतलब अभी हमें कहां से आगे पास ऑन होना है, एस से आगे पास ऑन होना और आगे की बात करनी, अभी करनी है बात, अभी करनी ऑलमोस्ट बनने वाला है क्योंकि वो शुरू होगा तो फिर रूटीन है। ये हो गया, बस मन में खत्म हो गया ऐसी स्टोरी नहीं है। इसीलिए कहने का मतलब है कि अब आगे का जो प्रोसेस होगा कि सिक हटाया जाए, अगर सारी चीजें सही से एस फेज में हो गई, सिक को हटाया जाए, सिक को हटाने की वजह से अब जो असेंबली है वो अपना काम कर सकती है क्योंकि उसके एक्टिविटी साइट पे कोई फॉस्फेट भी जोड़ देगा प्रेजेंट है वहां, अब वो अपना काम कर सकती है। अपना काम करेंगे मतलब क्या, एस फेज को क्रॉस करा देंगे और आप देखेंगे ऑलमोस्ट एस फेज में एक और साइक्लिन बन चुका होता है, दैट इज साइक्लिन बी, एस फेज में ही बन चुका होता है, ठीक है। और बनने के बाद ये अपने सीडीके से भी जाकर के बाइंड हो जाता है, दैट सीडीके ही सीडीके, ठीक है, क्योंकि एस फेज क्रॉस हो चुका है, ये बन चुका है, ये किसके साथ जाकर के बाइंड हो जाएगा, सीडी के साथ। लेकिन ये आप देखेंगे कि अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, इसका एक्टिव फॉर्म में नहीं रखा गया, ठीक है, राइट, बस बाय। किसने बोला S-phase is twice. S-phase.